स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसा जगह बताऊंगा मुजफ्फरपुर का, जहां पर आप सभी लोग आकर सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हैं, गाना शूट कर सकते हैं, कॉमेडी वीडियो बना सकते हैं। एक ऐसा लोकेशन मैं आज आप सभी को बताऊंगा, और अभी हम उस जगह पर ही आए हुए हैं, जो कि अभी मेरे साथ में है सरोज कुमार, दीपक कुमार, जो कि अभी जो शूट कर रहा है वो सिनेमैटिक वीडियो शूट कर रहा है। वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप सभी को देखने को मिलेगा उसके इंस्टाग्राम आईडी पर। मैं आप सभी को मेंशन कर दूंगा, आप लोग जाकर देखिएगा जरूर। तो देखिए, इधर में जो दिखाई दे रहा है यही है दीपक कुमार। और मैं अनदर ब्लॉग वीडियो दोस्तों, आज मैं कर रहा हूँ शूट सरोज कुमार, मुकेश कुमार का सिनेमैटिक वीडियो शूट। तो चलिए, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा लास्ट में। तो लास्ट में बने रहे, तो चलिए लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में बने ना रहिए। तो देखिए, यह जो अभी सीन जो है अभी यह क्रिएट कर रहा है, और इसका जो हीरो है, जो देख सकते हैं यहाँ पर सरोज कुमार एक हीरो है, देखिए। और अभी यह वीडियो को क्रिएट करेगा, बनाएगा। तो चलिए, मैं आप सभी को लोकेशन दिखाता हूँ, कैसा लोकेशन है। सो चलिए, आइए दिखाते हैं पहले इधर का लोग। दोस्तों, अभी जो है हमारा एक क्लिप जो है शूट हुआ है, सो जरा आप सभी लोग देख कर बताइए कैसा है। और अभी जो है इधर शूट हो ही रहा है, और बहुत ही अच्छा जगह है। जरा देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अभी जो है सरोज कुमार का शूट हो रहा है, और मेरा जो कैमरामैन है, सो आप लोग देखिए। और व्यू जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर जगह है। थोड़ा मैं आप सभी को ऊपर उठ कर दिखाता हूँ, जैसे कि इधर में जो सीन है आप सभी को देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा जो है आप लोग वीडियो शूट कर पाइएगा। जा देखिए, ऐसा व्यू जो दिखाई दे रहा है, या जो फूल है, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और यह एक जगह नहीं है, बहुत जगह आप सभी को देखने को मिलेगा। जा देखिए, और आसमान भी बहुत फ्रेश, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। या देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऐसो। और अभी जो है हमारा केवल शूट हुआ है, लगभग थोड़ा ही शूट हुआ है, अभी पूरा वीडियो आप सभी को दिखाएंगे अपना वाला सिनेमैटिक। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा है। और अभी जो है देख सकते हैं शूट हो ही रहा है, और आसमान जो देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का आसमान। और अभी पूरा अभी सीन दिखाएंगे, थोड़ा उधर चलेंगे, आगे भी चलकर दिखाएंगे आप सभी को, और अंत में आप सभी को बताएंगे कि हम किस जगह पर आए हुए हैं। तभी तो आप लोग आइएगा यहाँ पर अपना वीडियो शूट करने के लिए, सिनेमैटिक शूट करने के लिए। कोई भी जो वीडियो आप लोग शूट करना चाहते हैं ना, वो आकर यहाँ पर शूट कर सकते हैं। और थोड़ा सावधानी से आप लोग आइएगा, क्योंकि जंगल झाड़ भी है, बाबा रहते हैं इस समय, बाबा रहते हैं। कौन बाबा रहते हैं आप लोग जानते होइएगा। तो ज़रा आप लोग जब भी आइएगा ना, हाँ, तो वो आप लोग जूता पहन कर आइएगा। तो अभी जो है अब मेरा सीन आने वाला है, सो आप सभी को दिखाते हैं कि किस तरह से शूट होता है। सो जा देखिए, और नीचे, हाँ ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है कथी, तो देखिए अभी शूट होगा। तो एक जो वीडियो बनाने में जो है ना, बहुत मेहनत लगता है, कम से कम 5-6 बार तो मुझे चलना पड़ता है, चल चल कर दिखाना पड़ता है। और एक वीडियो जो है बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। हाँ, हम समझे थे, लेकिन हम शूट नहीं किए हैं, चलते रहना, वीडियो करते रहो, हम हिलाए नहीं है, गड़बड़ा गया है। तो यह जो फूल था, इसको थोड़ा हिलाते हुए चलना था, हम ऐसे ही चल दिए हैं। ठीक है, बड़े ना, ठीक है ना, बड़े वो कहिए अथी करा था, चप्पल लेते, ठीक है, निकाल भी देना था, ठीक है। मार देंगे तू हाथ किसके, ऐसे ऐसे हिलता, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे हिलता, ऐसे डाल लिया ना, तो यहाँ फंस गई थी, मतलब करवाते रहता है, ठीक है। तो देखिए, इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा और भी लोकेशन आप सभी को यहाँ पर दिखाएंगे, तभी तो आप लोग यहाँ पर आकर वीडियो बहुत ज़्यादा शूट कर पाइएगा। बहुत अच्छा जगह है। तो थोड़ा एक सिनेमैटिक अब सीन हम कर देते हैं दीपक कुमार का।
लोकेशन बहुत ही सुंदर है, एक बार आइएगा जरूर। कल पैर का तुम नहीं आएगा? तू नहीं, पैर आना चाहिए इतना, अगर आइए तो कमर है। कमेंट में बताइएगा कि यह क्या है, और बहुत ही सुंदर है फूल, देख सकते हैं। ऐसे आप लोग आइएगा तो कम से कम गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेकर जरूर जाइएगा। ऐसे तो मेरे पास कोई है नहीं जो हम किसी को दे। अब जो सीन है वो अंदर का है सीन, और अंदर भी आप सभी को दिखाते हैं। तो पहले जो है, जो अभी वीडियो कर रहा है सरोज कुमार, उसका सीन है, उसके बाद में मेरा सीन होता है। तो चलिए दिखाते हैं अब इसका सीन। इस जगह का नाम जो है संगम घाट, आप सभी लोगों ने देखा होगा संगम घाट पुल। और जो उधर जो दिखाई दे रहा है, उधर जो जंगल झार जो दिखाई दे रहा है ना, उधर जो है नदी है एक बूढ़ी गंडक, उसके जस्ट संगम घाट जो पुल है ना उसके जस्ट थोड़ा सा पीछे ही, और सामने जो एक पेट्रोल पंप दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर आप सभी को पेट्रोल पंप दिखाई देगा। यह जो पेट्रोल पंप है इसे थोड़ा दूर आप संगम घाट की तरफ बढ़िएगा तो आपको लेफ्ट साइड में यह लोकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आइएगा और अपना जो भी वीडियो होगा सीन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छा जगह है। और नदी का भी सीन लेना चाहते हैं तो नदी जो है यहाँ से लगभग हाफ किलोमीटर नहीं 200 से 300 मीटर जो आगे है, आप लोग आइएगा तो सीन काट सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। जो वीडियो हम आप सभी को दिखाएं सिनेमैटिक, वो भी कमेंट में बताइएगा कि कैसा है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।